है बारिश की वजह से। अच्छा, अगर बारिश नहीं होती तो आपको जो पीछे वो टैंकर दिख रहा है ना, अच्छा अच्छा, उससे भी आगे जो अपना रास्ता जा रहा हूँ वहाँ तक की आपको लाइन लगी मिलती है। मैं एक चीज देख रहा हूँ, जो मंदिर का जो गेट है वो नीचा गेट है, उसके बावजूद भी इतनी भीड़, मतलब अंदर जाके बाहर आ जाती है। बिल्कुल जी, इससे डबल। अच्छा, इससे डबल। तो ये जो भीड़ लगी हुई सुबह से लगी, ये पुराना गेट है, इसके साथ हम छेड़खानी कोई नहीं कर सकते। अच्छा, ये बाबा मंडी है, बहुत बड़े, बहुत सिद्ध भूमि है ये। अच्छा, हाँ जी, अगर कोई दिल से माने तो इससे सिद्ध भूमि है, अपने यहाँ पे है नहीं नजदीक में कहीं भी दादरी। और ये जो निशान लेके आ रहे हैं, मतलब ये निशान की मान्यता क्या है, मतलब कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये छड़ी है जी बाबा की, अपने निशान है ये, भक्त अपने लेके आते हैं ठीक, अपने घर पे रखते हैं, बादवा में इसको श्रृंगार चढ़ाते हैं और फिर गोगानवमी के दिन इसकी धोख लगती है निशान की। अच्छा अच्छा, तो आस पड़ोस के गांवों से दादरी के जो भी निशान है वो सब यहाँ पे आते हैं बाबा के अपने धोख लगवाने के लिए, साल में एक बार गोगानवमी के दिन, बादवा की गोगानवमी के दिन। अच्छा अच्छा, और जो यहाँ मट्टी छटने की जो प्रथा है उसके बारे में थोड़ा सा? मिट्टी छटने की ऐसी होती है, आस्था है जी, आस्था है ठीक है जी। मिट्टी यहाँ पे अपने हाथ बाबा के दर्शन करे और वहाँ पे जाके अपने मिट्टी छाट के भाई अपने जो भी गलती हो माफी मांगते हैं। अच्छा अच्छा, इस वजह से खाटी थी पहले, खाटी थी, खाटी अब भी है, जोड़ अब भी है वहाँ, वो बूस्टर से बना दिया था। जोड़ बोलते हैं, क्या नाम से? गुगाना जोड़। अच्छा, मेडी के पास होता है गुगाना जोड़, गुगाना जोड़ बोलते हैं। ये देख लो भाई, हर जगह पे आपको मिलेगा। जी 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 जी, तो दादरी में तो मेरे ख्याल से एक ही मंदिर होगा ना? दादरी का ये 19 गांवों का एक मंदिर है। अच्छा, 19 गांवों का एक ही मंदिर। ये देख लो भाई, 19 गांवों को बाबा गुगा का एक ही मंदिर है, जो कि वहाँ पे कल 19 गांवों की मतलब भीड़ लगी थी दादा स्वामी जाल के मेले की। या जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो भीड़ बता रहे हैं ये बाबा गुगा की है, 19 गांव का मंदिर है ये, और 19 गांव के लोग यहाँ पे आके श्रद्धा के साथ में यहाँ पे जो है भीड़ आती है, श्रद्धा के साथ में यहाँ प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं, और यहाँ पे जो आप देखो धूप दीप यहाँ लगाते हैं। और भीड़ जो है, अभी बारिश हो रही थी, लोग देख लो बारिश के अंदर भी लोग ऐसे ही खड़े हुए थे। बारिश में देख लो, बारिश और तेज भी आ जाएगी तो भी भक्तों की लाइन नहीं टूटेगी, लाइन नहीं टूटेगी। इसके भगत जो है वो पक्के हैं, पक्के भगत हैं, साल में एक दिन इसको जरूर धोके, पूरा देश धोकता है, हमारा देश राम का देश है, लेकिन राम नवमी को पूरा देश इतना नहीं मानता हुआ। गोगा की लेकिन गोगा जी को पूरा देश मानता है, चारों धर्म मानते हैं गोगा जी को, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में अकेला ऐसा देवता जो सभी धर्मों में पूजा जाता है। अच्छा, ये देख लो, इसलिए इसकी इतनी भीड़ होती है भाई। यार राम भूमि है, राम भूमि ये देख लो, बल शंकर भगवान की। ये देख लो भाई, जोश देख लो लोगों का, और भीड़ देख लो, ताबड़तोड़ भीड़ है, और तो दिखा दे। बोल गुरु रघुनाथ की जय हो, बोल पकड़ाले पीर की जय हो। ये देख लो भाई, तो पूरा जोश है भाई, जोश में कोई कमी नहीं है, ताबड़तोड़ जोश है, और तो आगे और दिखा दे। चलो ये देख लो भाई, ऊपर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो गुगा का जो मेला है वहाँ पे जो भीड़ है, वहाँ पे तो जो रस है जबरदस्त है, ये देख सकते हो आप। और जैसे कि मैंने पंडित से भी बात करा दी, वहाँ का सारा दृश्य मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और अब जो भीड़ थोड़ी सी कम लग रही है ना, हालांकि पूरी भीड़ है, वो कम इसलिए दिख रही है आपको क्योंकि अब बारिश आ गई थी, बारिश की वजह से थोड़ा सा गीले रोड भी हो गए हुए, देख सकते हो आप। लेकिन फिर भी लोगों का जोश जो है वैसा का वैसा है, और बाहर मेला लगा हुआ जबरदस्त, सामने जो है माटी छाटन लग रही है लोग आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ में, और काफ़ी साल तो यह प्रथा हम देखते आने लग रहे हैं भाई। ये देखो मिट्टी छटन की, और मिट्टी छटन के बाद, धोख लगाने के बाद, मिट्टी छटन के बाद सामने जो तुमने दिखा है, यो जो है हनुमान जी का मंदिर है। ये देखो हनुमान जी का मंदिर है, बाद में उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाऊँ हैं, बाबा हनुमान के दर्शन करें हैं, और फिर उसके बाद जो है मेला का आनंद लेकर फिर घर में जाऊँ हैं, और मेला भी तुमने इसके अंदर में दिखा देता हूँ। मेला कहते हैं भीड़वा है, कम है भाई, भीड़ किसमें चल रहा है, एक तो जागड़ है भाई। ले भाई ताबड़ तोड़ भीड़ से, हाँ ताबड़ तोड़ हो रही है जी, सारे हो गया ऊपर ना बारिश आने लाए भाई, जी जला लाए रहे, देख ले भाई अर्जन मानू आले पैर भी हो रहे हैं, अरे देख ले ये जूते वाली टेंशन भी होगी, जूते का डेट तो खाद नहीं ले जाए, परसों लेकर आया तू,
भाई मेकअप तो बच लियो बारिश आने लग रही है क्यों बंटी के गया क्योंकि मेकअप तो बच लियो बारिश आने लग रही है कहते मेकअप धो जाने यहाँ हुआ टेंशन नहीं होगी है भी या ले भाई ये देख लो भीड़ जय हो जय बाबा की ये बाला ही नहीं लगना पड़ा नंबर देखो कितनी देर में आऊंगा ये ले भाई जितने दिए कार्ड ले भाई मार दे आया पास 10 मिनट में बाबा का नाम लेकर क्या देख लो ये वाली अब मंदिर के बाहर और मंदिर के बाहर तुमने दिख जगह और ढोल नगाड़े जो वहां बाजन लग रहे हैं और भीड़ तो है नुए ताबड़ तोड़ भीड़ हो रही है ये तुम देख सको अरे यार और भी दोस्त हमने दिखेगा यो देख लो भाई पूरे तुमने दिखने लग रहे बेल करने लग रहे हैं बेल करवाने लग रहे हैं सारे और सम भी अपने घर की बेल को रख करवास को हो श्रद्धा के साथ अरदास के साथ उरास को हो यार देख लो भाई इतनी मतलब जमीन गिल्ली होने के बाद भी इतना दलदल होने के बाद भी लोगा की भीड़ जो है नुक्का गिनू है देख लो ये देख सको तुम इसका आइडिया लगा लो तुम लोगा की आस्था कितनी होगी यहाँ पर मट्टी छपने के बाद जो है राखी उड़ा तुम खोल भी इसको उसके बाद जो है यहाँ पे राखी छोड़ दी जाए उसके बाद जो है आगे का मेला थर तो मैं दिखा दी हूँ ये देखो मेरी छकमा रेडी लग रही है खान पीने के फास्ट फूड का बालका का सोता बहुत घना लग रहा है देख सको तुम इसके आगे का जो सफर है वो हनुमान बगीची का है वहां भी तुमने लेकर चला हनुमान बगीची की तरफ उससे पहले जो बालका के खेलन के बहुत घने आइटम हो रहे हैं खान के आइटम है सिंगार के आइटम है काफी सारी चीजें तुमने मिल जाएंगी मेला के अंदर में बड़ा ही आनंदमय मेला है बड़ा ही रोमांचक मेला है मतलब कि आनंद आ जाएगा अपने मेला में आके जब भीड़ दिखेगी आपने लोग मिलेंगे आपके पुराने दोस्त मिलेंगे संबंधी मिलेंगे क्योंकि आसपास के जो है सारे लोग उड़ा हुए हैं लगभग 19 गांव के लोग आ रहे हैं 19 गांव भाई थोड़े नहीं हुए बहुत घने लोग हो जाए 19 गांव के सवेर तक भीड़ लगनी चालू हुई थी सवेर तक मेरे ख्याल सवेरे 4 बजे शुरू हुई थी भीड़ लेकिन जो है शाम के जो देख लो 7 बज गए हैं भीड़ जो है नू की नू है या भीड़ जाके रात में 10 बजे जाके ठंडी पड़ेगी या 9 बजे जाके ठंडी पड़ेगी उसके बाद जो है आगे का सफर जो है हनुमान बगीची का या तुम देख सको जय बाबा उसके बाद जो है लोग जितने भी उड़े आदमी आ लगभग मारा ख्याल तो सारे के सारे आदमी जो है पूरे मंदिर में जरूर एक बार दर्शन करके जाए नू कहे हैं कि उरे की मान्यता है कि उड़ान के बाद में एक बार हनुमान जी के मंदिर में जरूर आवे हैं ये देख लो भाई इस हमने मैं मेला में भीतर लेकर चल लूँ हर दर्शन कराऊँ भाई तो चलना है भाई चलो बात जो है तिलक लगवाओ या हनुमान जी का यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ की हनुमान जी की परिक्रमा पूरी करके जय बाबा जय बाबा उसके बाद जो आगे चले हैं आगे जाने के बाद मैं थर्द में दिखा दी हूँ क्या देखो
बहुत ही प्यारा मंदिर है हनुमान बगीची, बहुत ही प्यारा मंदिर है। यह देखो भाई, उसके बाद देखो लड्डू गोपाल के आपने दर्शन करा दी हूँ, आपकी काया खुश हो जाएगी। यह देख लो लड्डू गोपाल के दर्शन कर लो, देखो कृष्ण भगवान के दर्शन कर लो आप, ये देख सकते हो। उसके बाद जो है भोले के दर्शन करवा लो, क्या देख सको। उसके बाद जो है भोले के दर्शन करें, उसके बाद जो है हनुमान जी का मंदिर के अंदर में दीप दान करें, ज्योत लगाओ, क्या देख सको। उसके बाद जो हनुमान जी का मंदिर के बाहर देख सको, पिपल का पेड़ के नीचे भी दीप दान करे हैं, और सामने देख सको नंदी जी महाराज है। अब थर्द मैंने दिखाई दी, भोले हैं, शिवलिंग है, राम राम। उसके बाद जो सामने सामने जो मेला दिखाया है, जो मेला है जिस मेला की मैंने वीडियो डाल ली है, अब सामने से लोग यहाँ से जावे हैं, और जो मैंने ऊपर से वीडियो डाल ली थी सामने हनुमान जी का मंदिर के अंदर से, मैं उस साइड का दिखा दिया, और ऊपर से जो है इस साइड का हनुमान जी का मंदिर दिखा दिया मतलब। और पुलिस जो है वह भी पूरा सहयोग करने लग रही है भाई, जो है कोई रोड़ा रपटा नहीं हुआ है, देख सको तुम, बढ़िया प्रशासन है, पूरी सहायता करने लग रहे हैं। यह देखो जिस तरह की दादरी के लोग तो मेरा पाओगा, यहाँ जो मेला है सामने अपना बिचला बासा यानी कि शिव जी का पुराना शिव जी का मंदिर है वहाँ तक है, आगे तक देख सको। और इस साइड में अगर बात करें तो ये अपना हीरा चौक तक है, यह देख सको बदली, इस साइड में अपना हनुमान बगीची है, देख सको बैठे सर हम देख सको। रात का टाइम हो गया, गर्रा की जो लाइट है वह भी जलनी चालू हो गई है, लेकिन भीड़ जो है फिर भी नुआ बरकरार बन रही है। कदे भाइया कोई शक हो कि रात ने जो है भीड़ कम हो जाए, कोई चक्कर नहीं किसी प्रकार की, जमा खाटू में जो मेला लग गया करे उस तरह का मेला लग रहा है, ताबड़तोड़ मेला लग रहा है। यह देख सको भाई 7:15 बजे टाइम हो गया, शाम का 7:30 बजे तक का, और भीड़ जो है नुए चलने आ रही है, देख सको। बाकी इस मेला का स्वाद उसने मेरा पटेगा जो इस मेला में आवे है, बाकी के लोग इसका आइडिया लगा नहीं सकेंगे कितनी भीड़ बने हैं। ताबड़ तोड़ भीड़ है, आनंद आ गया मेला में आगे नो लगे है जनी तो बाबा खाटू का मेला में आगे इस मारी जो है ताबड़ तोड़ भीड़ मिला है, आनंद आ गया। देखो भाई ठीक है, जय बाबा की, ये देख लो भाई अपन ने जो है वीडियो जो है छत के ऊपर चढ़ के भी दिखा दी है, मंदिर में जाके भी दिखा दी है, मेला के बीच में जाके भी दिखा दी है, और अपन ने जो है पूरी कोशिश करी है वीडियो सत्य आशिदाव दिखाने की। तो ये जो चरखी दादरी का मेला है भाई हीरा चौक के पास में, समीसर तालाब के पास में, तो गुग्गा का जो मंदिर है यहाँ का मेला थरते मैंने दिखा दिया है। और भाई 2024 का मेला भी थरते बता दूँ, मैं थारा भाई अनिल दादरी, तो मिला अगले वीडियो के अंदर में, बोले शंकर भगवान की जय।